नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। ईरान में हिजाब के खिलाफ छिड़े आंदोलन को अभी ज्यादा समय बीता नहीं है। ईरान एक मुस्लिम मुल्क है, जबकि बीते कुछ वक्त से पश्चिमी देशों में भी इस्लाम विरोधी गतिविधियां देखने को मिली हैं। फिर चाहे वो स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना हो या यूरोपियन देश फ्रांस का अबाया बैन करने को लेकर लिया गया फैसला। जी हाँ, फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने जो फैसला लिया है वो देश में बसी मुस्लिम आबादी को नाराज कर सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि फ्रांस के सरकारी स्कूलों में छात्रों के अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। 4 सितंबर को जब नया शैक्षिक वर्ष शुरू होगा तब उस समय से ये नियम लागू कर दिया जाएगा। फ्रांस ने राज्य के स्कूलों और सरकारी भवनों में धार्मिक प्रतीकों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। उनका कहना था कि ये संकेत धर्मनिरपेक्ष कानूनों का उल्लंघन करते हैं। साल 2004 से ही स्कूलों में हेड स्कार्फ या हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अबाया पर लगे बैन के पीछे के कारण को भी यहाँ समझना जरूरी है। और सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अबाया होता क्या है। दरअसल कुछ लोग समझते हैं कि अबाया और बुरका एक ही चीज़ होती है, जबकि ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। अबाया एक ढीला बहने वाला परिधान होता है जो शरीर को कंधों से लेकर पैरों तक ढकता है, जबकि बुरका पूरे शरीर को ढकने वाला एक कपड़ा है जिसमें आँखों के ऊपर एक जालीदार स्क्रीन होती है। दोनों ही परिधान मुस्लिम महिलाओं की द्वारा पहने जाते हैं, लेकिन दोनों ही काफ़ी अलग होते हैं। फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब आप क्लास में एंट्री करते हैं तो आपको वहां केवल विद्यार्थियों को देखकर उनके धर्म की पहचान करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि स्कूलों में अबाया नहीं पहना जाएगा। बीते कई महीनों से देश में इस बात पर बहस जारी थी कि क्या स्कूलों में लड़कियों का अबाया पहनकर जाना ठीक है। फ्रांस के स्कूलों में अबाया पहनकर आने वाली लड़कियों की संख्या में बीते कुछ महीनों से तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। इस वजह से यहाँ बड़े स्तर पर राजनीतिक मतभेद भी पैदा हुए थे। दक्षिणपंथी जो पार्टियाँ थीं वो इस पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रही थी, जबकि लेफ्ट विंग पार्टियों का कहना था कि इस तरह के फैसले मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर चिंता जाहिर करते हैं। अटाल के मुताबिक गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो उससे पहले वो नियमों को राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट कर देंगे। साल 2010 में भी फ्रांस ने पूरे चेहरे पर पहने जाने वाले नकाब को सार्वजनिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया था। इस फैसले ने देश की 50 लाख मुस्लिम आबादी को नाराज कर दिया था। फ्रांस ने 19वीं सदी से ही स्कूलों में चले आ रहे धार्मिक संकेतों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें क्रॉस जैसे ईसाई प्रतीक भी शामिल हैं। साल 2020 में पेरिस के एक उपनगर में एक चेचन शरणार्थी छात्र ने अपने ही एक टीचर सैमुअल पैटी का सिर कलम कर दिया था। वो स्कूल में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाए जाने से नाराज था, और इस घटना के बाद से ही इस्लामी प्रतीकों पर बहस जो थी दुनिया भर में बहुत तेज हो गई थी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। फ्रांस में स्कूलों में अबाया पर प्रतिबंध लगाए जाने को आप कैसा मानते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।